आलोक श्रीवास्तव यहीं रहते हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। कहिए। मैं फादर डिकोस्टा हूँ। कोजी हिल पर एक छोटा सा गांव है, वहीं के एक चर्च का मैं फादर हूँ। अच्छा, अंदर आइए फादर, आइए। कहिए फादर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, आप तो बड़े मशहूर आर्किटेक्ट हैं। हाँ फादर, बस थोड़ा बहुत काम किया है। आपने तो कई पुराने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च तोड़कर उन्हें नया रूप दिया है। मैं भी आपसे एक पुराने चर्च के बारे में बात करने आया हूं। चर्च के बारे में? जी, हमारे गांव का चर्च 400 साल पुराना है। चारों तरफ दरारें पड़ चुकी हैं, वो कभी भी गिर सकता है। मैं चाहता हूं कि आप चल करके देख लें, उस चर्च को एक नया रूप दे दें। आई एम सॉरी फादर, मैंने धार्मिक जगहों पर काम करना बंद कर दिया है। मगर आप निराश ना हो, शहर में ऐसे बहुत सारे आर्किटेक्ट हैं जो आपका काम कर देंगे। अगर आप चाहते हैं तो मैं किसी को रेकमेंड कर दूंगा। देखिए, हमारे पास फंड्स बहुत कम हैं, और मैंने सुना है कि धार्मिक जगह का काम आप कम पैसों में करते हैं। हाँ फादर, ये तो ठीक है। चैरिटी के लिए मैंने ऐसे बहुत से काम किए हैं, लेकिन इसी तरह के काम ने मुझे ये काम छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मैं बड़ी उम्मीदें लेकर आपके पास आया हूं। उस चर्च की हालत बहुत खराब है, वो कभी भी गिर सकता है। क्या आप चाहते हैं कि खुदा का घर गिर जाए? मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, प्लीज। अरे फादर, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसा करके आप मुझे गुनाहगार बना रहे हैं। खुदा का घर बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। वो चर्च 400 साल पुराना है। May I come in, sir? Come in. House का elevation change करना पड़ेगा. Okay, I'll talk to you later. Bye. Good morning, sir. Good morning, Divya. How are you? Fine, thank you. Sir, आज शाम को आपकी मिस्टर खुराना के साथ मीटिंग है और कांता बिल्डर्स के यहाँ से 1,00,000 का चेक आ गया है. बस 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 बस, जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है, राइट? सर, मुराना गांव से फादर एंथनी का लेटर आया है. वो चाहते हैं कि वहाँ के किसी चर्च को रेनोवेट किया जाए. इसी सिलसिले में आपको वहां बुलाया गया है. अच्छा, पढ़ो क्या लिखा है. माय सन आलोक साहब, गॉड ब्लेस यू. मैं आपके काम और नाम के बहुत चर्चे सुन चुका हूँ. मैं अपने गांव में इंतजार करूंगा. फादर एंथनी ब्रिगेंजा. दिव्या, हमें फौरन फादर एंथनी के पास पहुंचना चाहिए. आज सैटरडे है, हम मंडे को रवाना हो जाएंगे. पर सर, आपका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? दिव्या,
तुम तो जानते हो मैं सब काम छोड़कर पहले इस तरह के काम करना पसंद करता हूँ। दौलत तो हम कमाते ही रहते हैं दिव्या, थोड़ी नेकी भी कमाना चाहिए। जाओ जाने की तैयारी करो, बिकॉज यू आर कमिंग विद मी। हाँ, अरे भाई कोई है? आप मिस्टर आलोक है ना? जी हाँ। अपुन का डैडी और अपुन आपका ही वेट कर रहा था। डैडी? अपुन फादर एंथोनी का बात करता है। एक्चुअली अपुन जब बहुत छोटा था ना, अपुन का मम्मी डैडी का डेथ हो गया, फादर ने अपने को पाला है, इसीलिए अपन फादर को अपना डैडी मानता है। ओह, अल्बर्ट ब्रिगांजा। नाइस मीटिंग यू अल्बर्ट। नाइस मीटिंग यू सर। ये मेरे असिस्टेंट हैं दिव्या। हेलो, क्या चुनी थी? सिंह। हेलो मिस्टर आलोक, यहां तक पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ओह नो फादर, इट वाज अ प्लेजेंट जर्नी। By the way, आलोक, ये मेरा बेटा अल्बर्ट है। ये मेरा बेटा अल्बर्ट है। जी हाँ, ये अपना इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। I see। आप लोग इतना लंबा सफर तय करके आए हैं, जाहिर है थक गए होंगे, जाके आराम कर लीजिए, सुबह सारी बातें हो जाएंगी। अल्बर्ट, यस प्लीज, इन्हें कॉटेज तक ले जाओ। श्योर, आइए। हाँ हाँ चलते हैं। फादर, आई होप यू डोंट माइंड। नो, सर्टेनली नॉट। लेकिन हमारे रहने का ये खास इंतजाम क्यों फादर? हम तो कहीं भी रह सकते थे। जी फादर, आपने तकलीफ क्यों उठाई? हम तो चर्च में रह जाते। नहीं बेटे, आप हमारे मेहमान हैं, और मेहमान गॉड का दूसरा नाम होता है। मेहमान की सेवा से गॉड बहुत खुश होता है। जा जा जा। ठीक है। ओह यस, कम ऑन। आप चाय पी लीजिए, फिर मैं आपको गांव की सैर के लिए ले चलता हूं। सैर करते करते आप चर्च भी देख लीजिएगा। अब चर्च पे कब काम शुरू करना है ये तो आप बेहतर जानते हैं। फादर, सुबह सुबह उठ के हम गांव की सैर कर चुके हैं और चर्च भी अच्छी तरह से देख चुके हैं। अच्छा। अल्बर्ट मेरा बेटा है, मैंने बचपन से इसे पढ़ाया लिखाया ताकि बड़ा होकर किसी बड़ी जगह नौकरी करेगा, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता। मुझसे इतना प्यार करता है कि मुझे छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहता। और नहीं तो क्या, जहां आप रहेंगे अपन वहीं रहेगा। इसीलिए आलोक साहब, मैं ये सोच रहा हूं जब तक ये चर्च बनकर तैयार नहीं हो जाता, अल्बर्ट चर्च बनाने के किसी भी काम में आपकी मदद करे। ये तो बहुत अच्छा है फादर, मेरा काम आसान हो जाएगा। वैसे आलोक साहब, आप काम कब शुरू कर रहे हैं? बस मैं मजदूरों को बुला लेता हूं, आज स्केच भी तैयार कर लूंगा, कल से काम शुरू कर देंगे। आलोक सर, अपुन ये चाहता है कि चर्च यहां से लेकर यहां तक के होना चाहिए। अच्छा। और चर्च का जो मेन डोर है ना, मेन डोर वो यहाँ यहाँ इस तरफ होना चाहिए। चर्च का मेन डोर यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए। क्यों? अगर इधर हो तो क्या तकलीफ है इसमें?
अगर चर्च का मेन डोर यहाँ हुआ तो लोग आसानी से चर्च आ सकते हैं, और अगर चर्च का मेन डोर यहाँ हुआ तो उन्हें कब्रिस्तान के बीच से गुजर कर आना पड़ेगा। हाँ, वेरी गुड दिव्या, तुम सही कह रही हो। चर्च का मेन डोर यही होना चाहिए ताकि आने वाले लोग कब्रिस्तान में नहीं सीधे चर्च में चले आए। और मेन डोर यहाँ होने के लिए फाउंडेशन को उस तरफ लेना होगा। वेरी गुड। और फाउंडेशन को उस तरफ लेने के लिए एक मिनट, फाउंडेशन को उस तरफ लेने के लिए एक मिनट। कैथरीन, अल्बर्ट, हमें इस कब्र को तोड़ना पड़ेगा। वैसे भी बहुत पुरानी कब्र लग रही है। अंकल कहते हैं ये कब्र करीब 400 बरस पुरानी है, अभी तो इसमें हड्डियां भी नहीं बची होंगी। जरा देखिए इस पर क्या लिखा है। हाँ, कुछ लिखा तो है। फॉर द सेक ऑफ द डेड एंड द वेलफेयर ऑफ द लिविंग लेट दिस ग्रेव रिमेन अनटच्ड एंड इट्स ऑक्यूपेंट अनडिस्टर्ब्ड till the coming of Christ. Amazing. Sir, बिल्कुल सच लिखा है। हमें इस कब्र को नहीं तोड़ना चाहिए। इस पर साफ साफ लिखा है, अगर जिंदा लोगों की भलाई चाहते हो तो इस कब्र को मत तोड़ना। ये 400 बरस पुराना लोगों का सोच है मैडम। अरे आज का टाइम पे ये सब बातों को कौन मानता है। ठीक है, तो फिर ये तय हो गया कि हम इस कब्र को तोड़ देंगे। लेकिन एक बात है सर, अंकल इस कब्र को तोड़ने नहीं देंगे। अल्बर्ट का कहना बिल्कुल सही है। मैं नहीं चाहता कि उस पुरानी कब्र को वहां से हटाकर चर्च के एक्सपांशन के लिए वहां नींव रखी जाए। आलोक साहब, जो लोग मुद्दत से चैन की नींद सो रहे हैं उन्हें क्यों डिस्टर्ब किया जाए। फादर, इसमें हर्ज ही क्या है। देखिए, यह है चर्च का नक्शा और यह है कब्र। अगर इस कब्र को नहीं हटाया गया, हम इस चर्च को एक्सपैंड नहीं कर सकते। सिर्फ इस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, इसी को ठीक कर सकते हैं बस। आलोक साहब, कोई ऐसा रास्ता ढूंढ निकालिए जिसमें इस कब्र को वहां से न हटाना पड़े। मैं हर रास्ता देख चुका हूं फादर, इस कब्र को यहां से हटाना ही पड़ेगा। हाँ, या फिर हम इस पूरे स्ट्रक्चर की फाउंडेशन ही इस कब्र पर रख दें। 400 साल पुरानी कब्र है, इसमें बचा ही क्या होगा। आप कुछ भी कहें, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। अंकल, आप गॉड का वास्ते घर बना रहा है, अपुन का वास्ते तो नहीं ना, इसमें परेशान क्यों होता है। अंकल, अपुन तो यह बोलता है कि जो आदमी मर के उस कब्र में दफन है वो भी गॉड के पास ही जाएगा। उल्टा उसको तो खुशी होगी कि उसकी कब्र को हटाकर वहां गॉड का घर बन रहा है। वो स्वर्ग में जाएगा अंकल, ही विल गो टू हेवन। अल्बर्ट ठीक कह रहा है फादर। आप इसकी बात सुन रहे हैं आलोक साहब, ये तो बच्चा है। फादर, सर फादर बिल्कुल सही कह रहे हैं, कब्र को हटाए बिना फाउंडेशन बना देते हैं, क्यों किसी को परेशान करें। दिव्या, तुम चुप रहो, तुम इस काम की बारीकी को नहीं जानती। मेरे नक्शे के हिसाब से इस चर्च का फाउंडेशन इसी कब्र पर रखा जाएगा, वरना चर्च नहीं बनेगा। अब फैसला फादर के हाथ में है, चर्च को आगे बढ़ाना है या सिर्फ मरम्मत करना है।
आलोक साहब, जब कोई नेक काम करने का इरादा कर लिया हो तो उसे हर हालत में पूरा करना चाहिए। अगर इस चर्च की एक्सपांशन के लिए इस कब्र को हटाना, उसे तोड़ना लाजमी है, जरूरी है, तो उसे तोड़ दो। लेकिन मेरी एक बात याद रखो, जब इंसान मरता है उसे दफना दिया जाता है, उसका जिस्म, उसकी हड्डियां मिट्टी में मिल जाती हैं, लेकिन उसकी आत्मा मिट्टी के जर्रे जर्रे में समा जाती है। मेरी एक रिक्वेस्ट है आलोक, इस कष्ट है आलोक, इस कब्र की मिट्टी को बड़ी इज्जत के साथ वहां से निकालो और कहीं और दफना दो, ताकि उसकी आत्मा को कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। आइए फादर। गुड वर्क एल्बर्ट। थैंक यू वेरी मच सर। मान गए मेरी गाड़ी की ताकत। स्ट्रॉन्ग व्हीकल सर। या ये क्या कर रहे हैं आप लोग? इस कब्र को मत तोड़िए, मत बर्बाद कीजिए। अगर ये कब्र खुद गई ना तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ, ये गांव नष्ट हो जाएगा। आप हैं कौन? मैं इस गांव का मुखिया हूँ। इस कब्र को मत खोदिए वरना पछताएंगे आप लोग। देखिए, इधर पे कोई गलत काम नहीं हो रहा है, आप उन लोग को अपना काम करने दीजिए प्लीज। मेरी बात मानिए सर, आपको इन लोगों की बातों पर गौर करना चाहिए। दिव्या, तुमने कहा इन लोगों की बातें सुन रही हो? साहब जी, क्या है? अल्बर्ट, जरा जाके देखना। श्योर सर। देखिए मुखिया जी, आप बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं होगा। अरे, ये कब्र 400 साल पुराना है, लेकिन कफन वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। ऐसा लगता है कि इसे कल ही दफन किया गया हो। हाँ। मगर इसे जंजीरों में चिपका गया है। दो साल के अंदर मजबूत से मजबूत कॉफिन भी मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाता है, और 400 साल के बाद भी ये ताबूत वैसा का वैसा मिला। चलो उठाओ भाई, इस ताबूत को उठाकर किसी दूसरी जगह रखो। अलोक, इस ताबूत को कब्र से बार बार निकालो, इस कब्र को वैसा का वैसा बंद कर दो। फादर, आपने तो कहा था कब्र खोदने के लिए। आप आइए। फादर, इसे यहां से निकाल कर कहीं और दफन कर देते हैं, इसमें हर्जी क्या है? आप तो खुदा की जात पर कितना यकीन करते हैं, आप ही तो कहते हैं गॉड की ताकत के सामने कोई ताकत नहीं होती। यस फादर, अपन इसका इंसल्ट थोड़ी कर रहे हैं। इस डेड बॉडी के लिए किधर और बना देगा कब्र अपन लोग? आप एक फादर होके खुदा का घर बनाने में रुकावट तो नहीं डालेंगे ना फादर? क्या आप गॉड के अलावा ये भूत प्रेत शैतान पर विश्वास रखते? कम ऑन फादर।
क्या हुआ दिव्या? बात मानो, इस कॉफिन को वापस बंद करके दफना दो। लाश को देखकर तो ये नहीं लगता ये 400 साल पुराना है। सुना, मैं डरा नहीं हूं, मैं गॉड के करिश्मे को देख रहा हूं और हम इंसानों को गॉड के करिश्मे में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने सुना है जो लोग बहुत ज्यादा गुनहगार होते हैं उन्हें कब्र भी नहीं अपनाती, बरसों तक वह ऐसे के ऐसे पड़े रहते हैं। आलोक, इन्हें छेड़ना अच्छा नहीं? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये औरत नहीं काइन है। What nonsense! ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? मेरे दादा परदादा इस गांव के मुखिया रह चुके, उन्होंने कहा था कि जिस दिन इस औरत की कब्र खुली तो गांव बर्बाद हो जाएगा। देखिए मुखिया जी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, घबराने या डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब पुराने ढकोसले हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सर बड़े बुरे ठीक कहते हैं। होगा सर, बड़े बुरे ठीक कहते हैं, इनका कहना कभी गलत नहीं होता। आप लोगों का किया हुआ सारे गाँव को भुगतना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था इस कब्र को मत खोदना, अब अनर्थ हो जाएगा, ये गांव बर्बाद हो जाएगा। आज रात इस गांव में मौत मनलाने वाली है, आज जरूर कोई मरने वाला है। हाँ जस्ट राइट अप 30 degrees north and oblique south। हाँ हाँ चलो फादर के पास चलते हैं। हाँ चलो। फादर, फादर एंथोनी, फादर। क्या बात है फादर? फादर मेरी सारी भेड़ बकरी गायब हो गई फादर, और ये सब आपकी वजह से हुआ फादर, आपकी वजह से। मेरी वजह से? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ फादर, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मुखिया जी से पूछ लीजिए, मुखिया जी आप ही बताइए ना फादर को। ये सच कह रहा है फादर, ये सब कैथरीन का ही काम है।
मैंने अपने पूर्वजों से उसके बारे में सुना है। कैथरीन जानवरों और इंसानों के खून से अपनी प्यास बुझाती है। उसी ने इसकी भेड़ बकरियों को गायब किया है। क्या हो रहा है? क्यों शोर मचा रहे हैं मुखिया जी? आ गए हाँ, देख लिया कब्र खोदने का अंजाम। इसकी भेड़ बकरियां गायब हो गई हैं। तो इसमें हम क्या करें? काफी लोगों ने कैथरीन की आत्मा को जगाया है। अब देखो इस गांव में क्या क्या होगा। इस गांव में कोई नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएंगे। आप लोगों के किए की सजा सारे गांव को भुगतनी पड़ेगी। आज जानवर गायब हुए हैं, कल इंसान गायब हो जाएंगे, तब तो चैन आएगा आपको। चल फादर, एक मरी हुई औरत के लिए लोगों के दिलों में इतनी दहशत, इतना डर बसा हुआ है। आई डोंट बिलीव दिस। आखिर कौन थी ये औरत? ये तो मैं नहीं जानता। उससे पहले जो फादर थे उन्होंने कहा था कि कैथरीन कोई इंसान नहीं थी, बल्कि इंसानी भेष में एक चुड़ैल थी। वो यही खेतों में घूमा करती थी, लेकिन कहां से आई थी और कब आई थी ये कोई नहीं जानता था। हाँ, इतना सब जानते थे कि वो एक सुनसान हवेली में रहती थी और इंसानी खून उसकी खुराक था। वो इंसानों का खून पीती थी? हाँ बेटे, इंसानों का खून पीती थी। अक्सर इस गांव के जानवरों की लाशें खेतों में पाई जाती थी और फिर धीरे धीरे इस गांव से बच्चे गायब होना शुरू। सूरज के घिरने आती है, सारी कलियां फिर जाती है, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। चिड़ियां गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर। बच्चे गायब होने लगे, फिर मर्द गायब होने लगे। घर घर में मरहम छा गया, हर तरफ से रोने पीटने की आवाजें आने लगी। फिर एक दिन गांव वालों को कैथरीन की असलियत का पता चल गया। गांव के बड़े बूढ़ों ने यह फैसला किया कि कैथरीन को जिंदा दफन कर दिया जाए। गांव वालों,
आफत हूँ, आफत। मैं वापस आऊंगी और इस गांव को खत्म कर दूंगी, मैं तहस तहस कर दूंगी, तुम सबको जिंदा जला दूंगी, मैं जिंदा जला दूंगी। छोड़ दो मुझे। ये कब्र सिर्फ मेरी कैद है, जिस दिन इस कब्र से वापस आऊंगी तुम सबको जिंदा जला दूंगी, इस गांव को कब्रिस्तान बना दूंगी। छोड़ दो मुझे। लेकिन हमने कैथरीन की कहानी को दोबारा जन्म दे दिया फादर। ओ शट अप दिव्या, हमने किसी कहानी को दोबारा जन्म नहीं दिया है। मैंने उसके ताबूत को एक महफूज जगह रखवा दिया है और कल सुबह कोई सही जगह देखकर उसे फिर से दफन कर देंगे। बस अल्बर्ट, हम लोगों ने जो किया वो ठीक नहीं किया। हमें इस कब्र को खोदना नहीं चाहिए था। पूरे गांव वाले यही बात कह रहे हैं। पता है क्या क्या हुआ? वो जो भेड़बकरियां थी ना, उन सब की लाशें गांव में मिली हैं। पूरे गांव में यही बात फैली है कि ये सब कैथरीन की कब्र को खोदने की वजह से हुआ है। कम ऑन दिव्या, ये तुम कैसा बात करता है? अरे अपन गांव वाला होकर ये सब बातों को नहीं मानता है और तुम शहर में रहकर ये सब बातों पर बिलीव करता है। नहीं अल्बर्ट, ये बात सही है। मेरी मम्मी भी यही कहती हैं कि आत्माएं होती हैं। कोई आत्मा नहीं होती है दिव्या, ये सब तुम्हारा वहम है। नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। मेरा दिल कहता है कि मैं आलोक सर से कह दूं कि मुझे शहर भेज दें। वॉच तुम शहर जाओगी? हाँ चली जाऊंगी। वो तुमसे प्यार करने लगा है। मेरी ख्वाहिश है बेटी, तुम उसकी जिंदगी में आ जाओ और मेरी ख्वाहिश को पूरा करो। समझ गया, तुम्हारी आंखें झुकने का मतलब मैं समझ गया। ये चर्च का काम पूरा होते ही मैं खुद शहर जाऊंगा और तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हारे रिश्ते की बात करूंगा। आ,
फिर मौत अपना शिकार ढूंढ रही है। आज भी कोई मरने वाला है। क्या कर लोगे तुम लोग? अरे ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो, हम तुम्ही को मार डालेंगे। ये क्या तुम्हारे बाप का राज है? अब उन लोग कोई गलत काम नहीं कर रहा है। गलत काम किया है? कैथरीन की कब्र खोद कर तुम लोगों ने बहुत गलत काम किया है। कल इसकी भेड़ बकरियां गुम हो, आज इसकी बच्ची मर गई, कल मेरा बच्चा मरेगा। तुम लोगों की गलतियों की सजा हम क्यों भुगते? देखिए आप लोग गलत समझ रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस आदमी को गांव से निकाल दो, चर्च का काम बंद कर दो और कैथरीन की कब्र जहाँ थी वहीं बना दो, वरना वो किसी को नहीं छोड़ेगी। कैसी जहालत की बातें कर रहे हैं आप लोग, मैं इन बातों को नहीं मानता। अगर आपका बेटा होता तो आपको पता चलता, इसी ने कब्र खोदी है, इसको इसकी किए की सजा मिलनी चाहिए। मैं कहती हूँ मारो इसे, मारो इसे। हाँ हाँ मारो इसे। देखिए आलोक साहब यहाँ चर्च बनाने आए हैं, इस गांव में जो कुछ हो रहा है इसका जिम्मेदार इन्हें क्यों ठहराते हो? अगर चर्च का काम चलता रहा तो यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी। ठीक है ठीक है, जैसा तुम लोग चाहते हो वैसा ही होगा। कल सुबह कैथरीन की लाश को उसी की कब्र में दफन कर दिया जाएगा।
और इस चर्च का काम भी रोक दिया जाएगा। लेकिन आलोक साहब, ये कैसे हो सकता है? एक अच्छे काम को हम कैसे रोक सकते हैं? नहीं फादर, नहीं। अगर इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस कब्र को खोदने की वजह से ये सब हो रहा है, तो कल हम कहते हैं कि कब्र उसी जगह पर फिर से बना देंगे। लेकिन अपुन पूछता है, इसके बाद भी खून खराबा नहीं रुका तो? फिर हमें ये चर्च बनाने से कोई नहीं रोक सकता। यदि अपुन ने क्या क्या सपना देखा था, सोचा था अंकल इस चर्च को ऐसा नया रूप देगा कि आने वाली नस्लें अपुन लोग को याद रखेगी। बट गॉड नोज क्या हो गया है दिव्या। बट आई टेल यू, अगर इस चर्च का काम इनकम्प्लीट रह गया तो अपुन का अखा जिंदगी इनकम्प्लीट रह जाएगा। अल्बर्ट, अगर ये काम बंद नहीं हुआ ना, तो जिस तरह गांव के बच्चे गायब हुई थी ना, और भी बच्चे गायब हो जाएंगे, और ये खून खराबे का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब उनके समझ में नहीं आता है दिव्या, क्या होने वाला है। रात बहुत हो चुकी है अल्बर्ट, चलें। आई ड्रॉप यू होम, कम। आ गया तुम्हारा घर, ठीक है। गुड नाइट अल्बर्ट। गुड नाइट सर। गुड नाइट दिव्या। गुड नाइट सर। Thank you.